मैं अभी पटना के ज्ञान भवन में हूँ। यहाँ 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर तरह तरह के आमों की आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से किसान लेकर के आए हैं। यहाँ छोटे से छोटे साइज़ के आम हैं और बड़े से बड़े साइज़ के भी। उनका स्वाद भी अलग अलग है, उनका शेप आकार भी अलग अलग है, रंग भी अलग अलग है, उसकी कीमतें भी अलग अलग है और उनके नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर आने का मकसद आम की प्रदर्शनी के बारे में आपको बताना नहीं है और न ही यहाँ पर आमों की सैर कराना है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद आपको ये बताना है कि उर्दू अदब में, उर्दू साहित्य में आम का जिक्र किस तरह से किया गया है, आम के बारे में क्या बयान किया गया है और किन कलमकारों ने, किन अदीबों ने क्या कहा है और कैसे कहा है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं पटना यूनिवर्सिटी के PG उर्दू डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर शहाब जफर आज़मी के पास। आम इंसानों का तो पसंदीदा फल है ही, हमारे अदीबों, शायरों और दानिश्वरों का भी पसंदीदा फल रहा है। आप जानते हैं मिर्ज़ा गालिब तो बहुत मशहूर हैं इस मामले में, आम उनकी का पसंदीदा फल था। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मिर्ज़ा गालिब के आम की पसंदीदगी का जिक्र उनके शागिर्द हाली ने भी किया है। मिर्ज़ा गालिब को इतना आम पसंद था, उन्होंने लिखा है कि वो आम के मौसम में किसी और फल को खाते ही नहीं थे, बल्कि उन्हों तो गज़लें कहना भी बंद कर देते थे जब तक आम का मौसम होता था। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शायद गालिब के अलावा कोई शायर ऐसा नहीं मिलेगा जो आम की तमाम अकसाम से वाकिफ़ हो। न सिर्फ वो तमाम किस्मों को जानते थे बल्कि किस आम में क्या खसूसियत है ये भी मालूम था। हालांकि वो हर किस्म के आम पसंद करते थे। उन्होंने लिखा है कि गालिब कहते थे कि आम में दो ही खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो ये कि वो मीठा हो और बहुत ज़्यादा हो। और आम जो लोग ना पसंद करते थे उन पर फ़िक्रे भी कसते थे। एक वाक़या उनके बारे में मशहूर है कि एक बार हकीम रज़ीउद्दीन उनके यहाँ बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में कुछ गधे गुजर रहे थे। आम का छिलका पड़ा हुआ था, आम का छिलका को देखकर गधे आगे बढ़ गए, उन्होंने उसको सूंघा और आगे बढ़ गए। तो रज़ीउद्दीन साहब ने मजाकन कहा कि देखिए आम ऐसा फल है जिसे गधे भी नहीं खाते। तो मिर्ज़ा गालिब ने बरजस्ता कहा कि हाँ बिल्कुल, गधे आम नहीं खाते। तो ये बहरहाल गालिब का यह हिस्से लतीफ़ है, लेकिन इससे पता चलता है कि गालिब आम के ख़िलाफ़ सुनना भी पसंद नहीं करते थे। वो ना सिर्फ खुद खाते थे बल्कि उनके पसंदीदगी का इतना ज़िक्र था कि उनके दोस्त अहबाब भी आम के मौसम में अगर कुछ तोहफे तहफ़ भेजना होता था तो वो सिर्फ आम ही भेजा करते थे। गालिब तो खैर ज़रीफ़ इंसान थे, उर्दू के एक बड़े शायर हैं अनीस, मीर अनीस सब जानते हैं, बहुत संजीदा मतीन शख्सियत के मालिक थे और एक संजीदा सिनफ़ शायरी मरसिया से ताल्लुक़ रखते थे। मगर आम के ताल्लुक़ से ये भी उनके बारे में भी मशहूर है कि उन्हें आम बहुत पसंद था और वो इसे अम्बे, शीरी और मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा करते थे। और जब कोई भी आम उन्हें मिलता था तो वो उसमें खूबी तलाश करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अच्छाइयाँ बयान करते थे। तो अनीस के भी आम की पसंदीदगी का जिक्र बारहा लोगों ने किया है। उर्दू के एक बड़े शायर हैं अकबर इलाहाबादी, अकबर के आम की पसंदीदगी का जिक्र भी अक्सर व बेशतर होता है कि अकबर को बहुत आम पसंद था और वो आम के जो बड़े ताजिर थे या उनके दोस्त अहबाब से, उनसे हुस्न तलब के साथ आम मांगा भी करते थे। चुनांचे लोगों ने लिखा है कि उनकी एक नज़्म है आम नामा। दरअसल ये आम नामा जो है वो एक हुस्न तलब की ही खूबसूरत सी मिसाल है। उन्होंने अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त मुंशी निसार हसन को आम के मौसम में चंद अशार लिखकर भेजा था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूँ, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। और आखिरी में देखिए कितना खूबसूरत शेर कहा है कि ऐसा न हो कि आप ये लिख भेजें, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में
तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। तो क़यास ये कहता है कि अकबर तोहफे में आम सिर्फ खुद ही नहीं खाते थे बल्कि दोस्त अहबाब को भी भेजा करते थे। चुनांचे इकबाल के बारे में मशहूर है कि एक बार अकबर इलाहाबादी ने अल्लामा इकबाल को भी आम भेजा और वो आम लंगड़ा आम था। अब जानते हैं कि लंगड़ा आम एक ज़माने में बहुत मशहूर रहा है और लोगों को बहुत पसंद आया है। तो जब वो आम लंगड़ा मिला इकबाल को तो इकबाल ने रसीद में जो शेर भेजा वो भी शेर बहुत याद करने के काबिल है। लिखते हैं, असर ये तेरे अनफास मसीहाई का है अकबर, असर ये तेरे अनफास मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक आया। तो इसमें लंगड़ा आम की तरफ इशारा है। इकबाल को इतना आम पसंद था कि एक साहब ने लिखा है एक मर्तबा, उनके दोस्त थे अब्दुल मजीद सालिक, उन्होंने लिखा है कि एक बार इकबाल बहुत बीमार थे और डॉक्टर ने उन्हें बहुत कहा था कि हर चीज़ से परहेज़ करना है, बिलखसूस फल वगैरह से, हाँ लेकिन एक कोई एक फल खा सकते हैं। तो जब वो गए तो उनके पास आम लंगड़ा आम का एक की एक प्लेट रखी हुई थी और उससे शौक से खा रहे थे। तो सालिक ने कहा कि भाई डॉक्टर ने आपको मना किया है खाने के लिए, फिर आप क्यों खा रहे हैं? तो इकबाल ने कहा, एक बार डॉक्टर ने एक फल खाने को कहा है और ये एक ही फल तो है, इसलिए मैं खा रहा हूँ इसको। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ अदबा और शोरा ने इसको पसंद किया, यहाँ तक कि दूसरी ज़बानों के अदीब भी, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भी आम बहुत था पसंद था। उनकी दो नज़में जो हैं वो आम के ताल्लुक़ से मशहूर हैं बंगला में और वो पढ़ी भी जाती हैं और आम तो खैर सब खाते ही हैं। एक बात और याद आ रही है मुझे कि बंगला से याद आ रहा है कि बांग्लादेश में आम के दरख्त को कौमी दरख्त का शुमार हासिल है। इसी तरह से पाकिस्तान में आम वहाँ का कौमी फल है। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हर जगह जहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं अक्सर व बेशतर लोगों ने आम को पसंद किया है। हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी एक बड़ा अहम वाक़या मशहूर है कि जवाहरलाल नेहरू एक बार इंग्लैंड की मलका से मिलने गए तो इंग्लैंड की मलका ने उनसे पूछा कि आपको कौन सा फल पसंद है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आम पसंद है। मलका ने पूछा फिर, तो उन्होंने फिर आम कहा। मलका ने कहा तीसरी बार कहा और, तो उन्होंने आम कहा। मलका ने फिर चौथी बार कहा और, तो उन्होंने आम कहा। इस तरह से मलका ने दसियों बार पूछा और हर बार जवाहरलाल नेहरू ने आम का नाम लिया। आखिर मलका ने तंग आकर पूछा, भाई आपके यहाँ आम के अलावा और कोई फल होता है कि नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी आम का मौसम है और हमारे यहाँ आम की इतनी किस्में हैं कि जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी हम दूसरे फल की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये है आम की पसंदीदगी और मकबूलियत का आलम कि उर्दू के शायर हों या दूसरे ज़बान के शायर हों, दानिश्वर हों, सियासतदान हों, जो भी हों, सब के महबूब जो है, सबका महबूब फल आम रहा है और आम पर लोगों ने अपने मुताबिक नसर में, नज़म में कुछ ना कुछ लिखा भी है या फिर उसके ताल्लुक़ से अपनी पसंदीदगी का खूबसूरती से इजहार किया है। इसलिए आज भी आम सबको पसंद है। आज के आम के मौसम में जब भी आम का ज़िक्र होता है तो इन शोरा और अदबा की ये बातें खुद ब खुद निकल आती हैं। उर्दू में तो इसके ताल्लुक़ से एक मुहावरा भी मशहूर है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम ऐसा फल है जिसमें आदमी आम तो खाता ही है, उसकी गुठलियों तक के दाम वसूल करने की ख्वाहिश रखता है। तो ये थे डॉक्टर शहाब ज़फ़र आज़मी साहब, जिन्होंने आम के बारे में तफसील से बताई। आम के बारे में अदीबों ने, साहित्यकारों ने, बड़े लीडरों ने क्या कहा है ये भी बताया। आइंदा से आप जब भी आम खाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई उर्दू का शायर या हिंदुस्तान की शख्सियत आपको ज़रूर याद आएगी। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। शुक्रिया।